नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। यूपी में पांचवे चरण को लेकर आज मतदान हो रहे हैं 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर। आज तमाम पार्टी जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए अब छठे चरण में कूद चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के मद्देनजर, उसी पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या छठे चरण में कन्हैया कुमार की एंट्री होगी, क्योंकि पांचवें चरण में राहुल गांधी की एंट्री हुई थी। दोनों भाई बहन एक साथ अमेठी में दिखे थे और पांचवें चरण में सबसे ज्यादा उन्हीं का ही बोलबाला रहा, चर्चाओं में रहे। तो अब ऐसे में सवाल है कि छठा चरण और सातवें चरण में क्या कन्हैया कुमार को मौका मिलेगा, क्या सचिन पायलट को मौका मिलेगा? अगर मिलेगा तो फिर देखना होगा कि किस मुद्दों पर बीजेपी को घेरने वाले हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, राहुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि पांचवें चरण का मतदान आज 6 बजे समाप्त हो जाएगा। छठे चरण के रन के लिए तमाम पार्टियां कूद चुकी हैं। सीएम योगी अलग हमला कर रहे हैं, मायावती अलग हमला कर रही है। कांग्रेस की तरफ से छठे चरण का स्टार प्रचारक कौन होगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा? राहुल, आपके हिसाब से देखिए, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो हमने काफी पहले इस बात का जिक्र किया भी है कि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में किस किस का नाम शामिल किया था। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, गुलाम नबी आजाद थे, कन्हैया कुमार थे, लेकिन मैदान में उतरता कौन कौन है ये देखने वाली बात थी। सचिन पायलट तो उतरे, एक बार कन्हैया कुमार आए, उसके बाद गुलाम नबी आजाद दिखाई नहीं दिए मैदान पर, सोनिया गांधी दिखाई नहीं दी, मनमोहन सिंह दिखाई नहीं दिए। तो ये देखा जा रहा ना कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर पार्टी ने नेताओं का नाम जारी किया है, अगर स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें रखा है तो मैदान में उतारिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रियंका गांधी खुद प्रचार प्रसार कर रही है। अभी तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोई और बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। सचिन पायलट नजर आए, ठीक है, उसके बाद प्रियंका गांधी नजर आई। तो कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास केवल प्रियंका गांधी ही चेहरा, लेकिन देखा जाए कांग्रेस के पास कई वरिष्ठ नेता है। तो कांग्रेस डरती है ना कि अगर उन वरिष्ठ नेताओं को भी उतारा जाएगा तो प्रियंका राहुल तो गायब से हो जाएंगे। प्रियंका राहुल अगर गायब हुए तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए राहुल और प्रियंका को ही हर बार आगे रखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अकेले राहुल और प्रियंका पार्टी को नहीं चला पाएंगे। पार्टी को चलाने के लिए छोटे कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, वरिष्ठ नेताओं की भी जरूरत है, पार्टी के हर एक उस कार्यकर्ता की जरूरत है जो आज पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो प्रियंका गांधी जब तक ये नहीं समझेंगी कि आने वाले समय में और नेताओं को भी उतारा जाना चाहिए जो कि सही रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहां कहां प्रियंका गांधी भागदौड़ करेंगी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को समझना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां सबको दी जाए ताकि उसका फर्क पड़ता नजर आए। लेकिन राहुल, आपने ठीक है बारीकी से चीजों को तो समझाया, सवाल ये है कि तमाम स्टारक प्रचारक के साथ साथ कि अगर कन्हैया कुमार को दिया जाता मौका तो क्या लगता है बीजेपी पर ज्यादा अटैक कर पाते, ज्यादा मुद्दों पर उनसे बातचीत करके घेर पाते, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि कन्हैया कुमार जब डिबेट के दौरान बैठते हैं तो बीजेपी के कई नेताओं से सवाल जवाब करते हैं। यहां तक कि हमने देखा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से कई बार सवाल उन्होंने पूछा, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से सवाल पूछा, और कन्हैया कुमार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, जीडीपी पर बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इनसे बचने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खुद को इन मुद्दों से काटने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं ना कि बीजेपी जो है वो मुद्दों पर बात कर ही नहीं रही है। आज तमाम विपक्ष है जो ये बात कह रहा है कि बीजेपी, आप देख लीजिए कोई भी समाचार पत्र उठाइए या किसी भी नेता का भाषण उठाइए, किसने बेरोजगारी पर बात की, किसने शिक्षा पर बात की, स्वास्थ्य पर किसने बात की, किसी ने नहीं की। तो हम ये देख रहे हैं कि जब कन्हैया कुमार जैसे नेता डिबेट के दौरान बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं तो जाहिर सी बात है जब रैली करने उतरेंगे तो कितना बड़ा जो है उत्तर प्रदेश में एक नया स्थान देखने को मिलेगा, एक नया जो है माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि कन्हैया कुमार पहली बार आए थे लेकिन जिस तरह उन पर हमला हुआ उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में देखिए केवल 2 ही चरण का चुनाव बाकी है, पांचवें चरण का चुनाव आज चल ही रहा है। 2 चरण के चुनाव में देखते हैं कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी। हालांकि इन 2 चरण के चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से कमर टाइट करके काम करना चाहिए ताकि 2 चरण के चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन कर सके और अच्छी सीटें निकाल सके। और कहा भी जाता अंत भला तो सब भला, बिल्कुल राहुल मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज बीजेपी को पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ताकत झोंक रही है, और अगर आप कह भी रहे हैं कि अगर तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती, स्टार प्रचारक होते तो बीजेपी को और भी नुकसान होता। राहुल जी जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी कमजोर कहां ये समझने वाली बात है। पार्टी के ये नेता तो बोल रहे हैं कि हाँ
इतनी सीटें आ रही हैं या इतने आंकड़े लाएगी, लेकिन समझने वाली बात है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी कहां है। देखिए, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर उतनी मजबूत नहीं है जितना बताने की कोशिश की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बूथ लेवल पर मजबूत होती तो आंकड़े कुछ और ही आते, नतीजे कुछ और ही कहते। आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सच्चाई है वो यही है कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर चल रही है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बीजेपी है, यानी कि इन दोनों के बीच टक्कर चल रही है और इन दोनों में से किसी एक की जीत होगी। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है उसे देखकर तो ये माना ही जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो शायद अगर 30 से 40 सीटें भी निकाल ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। अभी वक्त लगेगा उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने के लिए, क्योंकि 32-33 साल बाद उत्तर प्रदेश में अचानक ऐसे बदलाव नहीं कर पाएंगी प्रियंका गांधी। हालांकि ये बात ठीक है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी समय पहले उतर चुकी थी, लेकिन अगर वो लगातार उत्तर प्रदेश में खुद के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं से रैलियां करवाती, पार्टी के नेताओं को भेजा जाता बूथ लेवल पर क्या स्थिति है उसको मजबूत किया जाए तो और ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन राहुल, जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मौका देने से परहेज किया, लेकिन बीजेपी में भी पांचवें चरण आते आते पता चला कि लोग वहां उनके भी स्टार प्रचारक कम हुए, अमित शाह भी कम दिखे, पीएम मोदी की भी रैलियां कम दिखे। क्या वजह हो सकता है? क्या उनके भी उन्हें भी समझ में आ गया कि नहीं, इस बार की जो सीटें लाना या फिर जीतना या फिर मुकाबला करना मुश्किल हो रहा जी? आशिक देखिए, सबसे पहले बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत सोच समझ कर बात कर रही है। हालांकि बीजेपी की बात नहीं कर लेते, समाजवादी पार्टी की भी बात करते, समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन बड़ा दिग्गज उतरा प्रचार प्रसार के लिए? डिम्पल नजर आई थी, मुलायम सिंह यादव नजर आया, इसके अलावा और कोई नजर नहीं आया, या अखिलेश ही नजर आए। तो हम ये देख रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो पार्टी के नेताओं ने सूची तो काफी बनाई थी, सबका नाम भी शामिल किया था देख देख के, लेकिन उनको अभी उतारा नहीं जा सकता। और अब तो दो चरण के चुनाव है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उतारा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा भीड़भाड़ करने से माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह की हम चीजों को देख रहे हैं कि बकायदा पोलिंग बूथ पर बात कर लेते तो सोशल डिस्टेंसिंग का बकायदा पालन हो रहा है, अभी मास्क लोग लगाकर जा रहे हैं, सैनिटाइजर का बकायदा उपयोग हो रहा है, तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव से ज्यादा जो देखा जा रहा वो है लोगों की सेहत पर ध्यान, लोगों की सुरक्षा को लेकर ध्यान, तो इन चीजों का भी पालन किया जा रहा है। हालांकि ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से बड़े नेता आए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह, जिन पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत पड़ गई थी उत्तर प्रदेश में उतरने की, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तो मंत्रालय संभालते हैं, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में क्यों उतरे उत्तर प्रदेश में, ये तमाम सवाल खड़े होते नजर आए। तो ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यूपी चुनाव, ये देख बहुत गौर करने वाली बात है। चलिए इस पे बात करेंगे राहुल आपसे भी, एक आखिरी सवाल को रोकते हैं, छोटा ही जवाब चाहेंगे आपसे, वो ये कि आप मान लिया जो है, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो चरणों में अब कांग्रेस को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि छठे चरण में कन्हैया देखे जा सकते हैं? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि छठे चरण में कन्हैया नजर आएंगे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि अभी तक पांचवें चरण तक की बात कर ले तो ज्यादातर प्रियंका गांधी ही नजर आई है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कन्हैया कुमार छठे चरण में नजर आएंगे। वो पार्टी तय करेगी कि क्या छठे चरण में उन्हें उतारना है या नहीं उतारना है, लेकिन कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन मेहनत और करने की जरूरत है ताकि बूथ लेवल पर मजबूत हो, इसके साथ ही साथ आने वाले और समय के चुनाव पर भी फर्क पड़ता ना। बिल्कुल, यानी ग्राउंड पे कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, ये मानना पड़ेगा। राहुल ने बाखूबी ये भी बता दिया है कि वाकई में अगर तमाम और भी स्टार प्रचारक होते तो कांग्रेस की स्थिति और भी बेहतर होती। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SBI 9 News। नमस्कार।